पंजाब यूटी मुलाजिम वो पेंशनर साझा फ्रंट की अगुवाई में मुलाजिमों और पेंशनरों की ओर से रोष धरना देकर नारेबाजी की गई। इससे पहले प्रदर्शनकारी धूरी संगरूर फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा होकर जहां से रोष मार्च करते हुए कोठी तक पहुंचे, वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि चुनाव से पहले आप सरकार ने मुलाजिमों और पेंशनरों की मांगों का हल करने का वादा किया था, सरकार बनने के बाद मांगों का हल करना तो दूर, सरकार का कोई मंत्री उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं है, बार बार पहुंचकर करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो प्रदर्शन करने को मजबूर हुए। उन्होंने मांग की कि हर तरह से कच्चे मुलाजिम पक्के किए जाएं और मान भत्ता इंसेंटिव मुलाजिमों को कम से कम वेतन के घेरे में लाया जाए, मुलाजिमों और पेंशनरों की वेतन कमीशन की त्रुटियां दूर की जाए, मुलाजिम मजदूर विरोधी कानून रद्द किए जाएं, बंद किए जाएं और भत्ते बहाल किए जाएं, विकास टैक्स के नाम पर लगाया 200 रुपए प्रतिमाह टैक्स बंद किए जाए। पेंशनर साझा फ्रंट के वलों अज असी इतने इकट्ठे हुए हैं, सारिया समूहिक जथेबंदियां लगभग 27 जथेबंदियां ने ते अज पंजाब सरकार दे विरुद्ध रोस प्रगट करन आईयां ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਘੜੀਸ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਿਣੀ 'ਤੇ ਕਰਨੀ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਮਹਾਰੈਲੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ।